हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं आपको डबल कलर के स्वेटर डिज़ाइन बताऊंगी। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है और बहुत ही इजी डिज़ाइन है। देखिए, छह सिलाई की डिज़ाइन है। छह सिलाई हम एक कलर से बनाते हैं, छह सिलाई हम एक कलर से बनाते हैं और 2+2 का मल्टीपल में हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। जैसे दो सीधा बना है, दो उल्टा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने दो सीधा दो उल्टा बनाया इसके बाद इस पर सीधा कर दिया, इस पर उल्टा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, डिज़ाइन को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए कितना यूनिक सा पैटर्न है, बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये बनने के बाद, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए, आप देख सकते हो कितना सुंदर है ये डिज़ाइन। तो इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो, बट बच्चों के स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, बेबी बॉय, बेबी गर्ल, ब्लाउज में, कैप में भी ये डिज़ाइन डालोगे, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रोजेक्ट पर इस डिज़ाइन को डाल सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, बना सकते हो, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। तो इसे बनाना हम आइए आपको बताते हैं। तो ये देखिए, हमने थोड़े से फंदे डाल लिए हैं और देखिए, फर्स्ट रो राइट साइड सीधे की तरफ से हम शुरू करेंगे। तो सीधे की तरफ से शुरू करेंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, दूसरे को हम बुनेंगे। ध्यान से देखिएगा, दो फंदा सीधा, धागा आगे, एक दो उल्टा, धागा पीछे। देखिए, ये मत सोचिए हम पीछे से क्यों डाल रहे हैं, तो फंदा गिर जाता है तो चढ़ाने उठाने में उल्टा हो जाता है, बस यही कारण है, बाकी ऐसे ही बनाना है। तो दो सीधा और दो उल्टा इस प्रकार से बनाने हैं। देखिए, दो उल्टा, धागा आगे, एक दो उल्टा, धागा पीछे, दो सीधा, धागा आगे, दो उल्टा, धागा पीछे, दो सीधा, धागा आगे, दो उल्टा, एक एक्स्ट्रा फंदा हम ऐसे ही बुन लेंगे। और देखिए, पहले फंदे को, पहले सिलाई के हमने सारे फंदे को जैसे बुना है और इधर जैसे दिख रहा है वैसे ही बुनना है, मतलब वही दो सीधा और दो उल्टा। तो मतलब जो उधर से उल्टा बना है इधर सीधा बनेगा और जो इधर से सीधा बना है उधर उल्टा बनेगा। तो ये हमारी दूसरी सिलाई है, सेकेंड रो दूसरी सिलाई। इसी प्रकार से हम बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब दूसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई। अब इसी प्रकार से हम तीसरी सिलाई भी कंप्लीट करेंगे। देखिए, तीसरी सिलाई कंप्लीट, चौथी सिलाई भी हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, फोर्थ रो कंप्लीट हो गई, चार सिलाई। अब एक सिलाई और एक सिलाई और, मतलब दो सिलाई हम और बिनकर कंप्लीट करेंगे, पूरा छह सिलाई हो जाएगा जैसे जो दिख रहा है। तो देखिए, सिक्स रो कंप्लीट हो गई। अब हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे। देखिए, दूसरा कलर लगा लिए। अब हमको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, छह सिलाई बनाने के बाद जब आप कलर को चेंज करोगे तो यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत क्या, मतलब थोड़ा सा भी आप ध्यान दोगे तो नहीं, मतलब हमारा कहने का ये है कि आपको यहाँ ध्यान देना है। जैसे फर्स्ट रो आपने जान गए कि दो सीधा दो उल्टा, दो सीधा दो उल्टा इस प्रकार से बना, तो इसी प्रकार से हम पाँच सिलाई और, मतलब छः सिलाई कम्प्लीट कर लिए। अब सातवीं सिलाई में क्या करेंगे, हम अपना कलर लगाएंगे। अब कलर लगाने के बाद देखिए, जो तो ये हमारा सीधा बुना हुआ है उसे हम स्लिप कर लेंगे और जो दो फंदा उल्टा बुना हुआ है उसे हम सीधा बुनेंगे। ये और दो सीधा बुना है इसे दोनों हम स्लिप करेंगे और जो दो उल्टा बुना है उसे हम दोनों को सीधा बुनेंगे। तो दो स्लिप किया, सीधे वाले फंदे को स्लिप करेंगे, उल्टे वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। जी, हो गई फर्स्ट रो, रेड कलर से भी कंप्लीट हो गई। छः छः सिलाई हमको बनानी है। अब देखिए, अब दूसरे में क्या करेंगे, जो जैसे बुना है वैसे ही बुन लेंगे। देखिए, दो हमने बुना, दो हमने स्लिप किया, दो हमने बुना, दो हमने स्लिप किया, दो हमने बुना, दो हमने स्लिप किया, दो हमने बुना और दो हमने स्लिप किया। तो दो सिलाई इस प्रकार से कंप्लीट हो गई। ध्यान से देखिएगा, अब यही, इसी से क्या होता है, ये डिज़ाइन देखिए हमारे यहाँ पे
उभरी हुई हो जाती है, जिसे हम जो हम स्लिप करते हैं। अब तीसरी सिलाई में हम सारे फंदे को सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये रेड कलर से तीसरी सिलाई, और वैसे हमारी नौवीं सिलाई है, नाइन्थ रो। तो ऐसे समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, मतलब रेड वाले से तीसरी सिलाई हम ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। जी तो तीसरी कंप्लीट हो गई। अब चौथी देखिए, अब जो हमने सीधा बुना है इधर, उसे हम उल्टा बुनेंगे। जो ये उल्टा वाला है उसे हम सीधा बुनेंगे, मतलब ये उल्टा है तीनों फंदा, तो इन तीनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। ये उल्टा या सीधा, ये उल्टे की तरफ है। तो ये देखिए इधर सीधा दिख रहा है, तो इससे जो सीधा दिख रहा है उसे उल्टा बनेंगे। तो उल्टा तब होगा जब हम धागा पीछे करेंगे और दो सीधा बुने, मतलब सीधे पे हमको उल्टा बुनना है, उल्टे पर हमको सीधा बुनना है। फोर्थ रो, चौथी सिलाई हम इसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे। जी हो गई कंप्लीट। अब देखिए पांचवी सिलाई, जो जैसे दिख रहा है, जो जैसे दिख रहा है वैसे ही हम कंप्लीट कर लेंगे। ये दो सीधा, धागा आगे, दो उल्टा, धागा पीछे, दो सीधा, धागा आगे, दो उल्टा, धागा पीछे, दो सीधा, धागा आगे, दो उल्टा, ये तीन। और देखिए ये छठी सिलाई, जो जैसे दिख रहा है इधर भी हम वैसे ही कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए वैसे तो हमने बना ली छः सिलाई, लेकिन हमको बनानी है आठ सिलाई। अब आप कहोगे कि आपने छः छः सिलाई की बोली थी, तो देखिए पहले तो मैंने छः ही सिलाई बनाई। जो दो सिलाई हम यहाँ उतारते हैं, बुनते हैं, यहाँ पे दो सिलाई जब हम कलर को चेंज करते हैं, तो दो सिलाई एक सीधे की तरफ एक उल्टे की तरफ, दो हम बुनते हैं, दो हम स्लिप कर देंगे। वो देखिए वो हमारा नीचे चला जाता है, ये देखिए ये दिखाई नहीं देता फ्रंटली। दिखाई क्या देता है, जैसे मैंने बनाया छः सिलाई, दिखाई कितना दे रहा है, चार सिलाई, एक दो तीन चार। तो इस प्रकार से चार सिलाई दिख रहा था, अब हम इसमें दो सिलाई और बनाएंगे, यानी आठ सिलाई, आठ सिलाई बनाएंगे, लेकिन हमारा फ्रंटली जो है वो सिक्स ही दिखेगा कि हमने छः सिलाई बनाया है, बाकी ये आठ सिलाई बनेगा। पहले में हमने छः ही बनाए थे, इसका कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद हम आठ सिलाई बनेंगे, फिर टोटल आठ बनाएंगे, फिर जब ये कलर लगाएंगे उसमें भी आठ बनेगा, फिर मतलब आठ आठ सिलाई बनते जाएंगे। अगर आपकी इच्छा हो तो आप इतना ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो मैं बता रही हूँ आप वैसे ही बनाना। अगर आपको यहाँ चेंज करना हो तो आप यहीं चेंज कर लो। तो देखिए हम यहाँ पे दो सिलाई और बनाएंगे, एक सीधे की तरफ और एक उल्टे की तरफ, आप इतने भी चाहो बना लो, बट हमने सिक्स लाइन की बनाई है। अब देखिए जिस भी प्रोजेक्ट पर हम डालेंगे क्या होता है, डिज़ाइन हम स्ट्रेच हो ही जाता, पहनते हैं ऐसे होगा तो वो कम दिखेगा, इसलिए हम दो सिलाई और बनाते हैं। देखिए आठ सिलाई कंप्लीट हो गई हमारी, और देखिए दिख छह ही रहा है, एक दो तीन चार पाँच और छः, दो हमारी जो है वो ये देखिए नीचे चली जाती है इस प्रकार से। तो हो गई, अब हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार से हम बार बार रिपीट करेंगे, फिर से हम कलर चेंज करेंगे। तो कलर चेंज करेंगे तो सीधा वाला बुनेंगे, ध्यान से देखिएगा, सॉरी उल्टा जो बुना है इसे हम बुनेंगे, जो सीधा बुना है उसे स्लिप करेंगे। जैसे हम आपको सातवीं आठवीं सिलाई बताए हैं,
तीन सिलाई यहाँ चेंज करने के लिए, वहीं हम जब कलर लगाएंगे तो वैसे ही चेंज करना है। इसे बुनेंगे, इसे स्लिप करेंगे, उसे बुनेंगे, इसे स्लिप करेंगे, इसी प्रकार से सीधे की तरफ बनाएंगे, इसी तरफ से हम उल्टे की तरफ बनाएंगे, इसी प्रकार से फिर सीधे की तरफ हम एक सिलाई पूरा सीधा सीधा बुन लेंगे। फिर जो हमारी ये दो दो उल्टे सीधे की प्रक्रिया है वैसे ही करेंगे, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना हमने बताया है आप यही रो बार बार रिपीट करना है। यहाँ से बार बार रिपीट करेंगे 8-8 सिलाई, तो हमारा वो पैटर्न कंप्लीट होगा जो मैंने आपको पहले दिखाया। ये देखिए, इससे दिख छह ही रहा, इसमें भी हम 8 ही 8 सिलाई बनाए हैं, नीचे 6 बनाए हैं, बाकी सारे 8-8। ये देखिए तो कितना खूबसूरत पैटर्न बनकर तैयार हुआ है, आप खुद ही देख सकते हो। आप अपने हिसाब से कलर चॉइस करो जो भी आपको मन करे, और बहुत ही सुंदर बन के आती है डिज़ाइन, उभरी हुई जो आती है और भी खूबसूरत लगती है। तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को आप ज़रूर ट्राई करिएगा और हमारे साथ शेयर भी करना कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। टेक केयर, बाय बाय।